हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर पंजाबी फुलवाड़ी पाठ्यपुस्तक ऑफ सेवंथ क्लास. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर चैप्टर नंबर 13, ऊंच नीच का भेद मिटाओ. ऊंच नीच का भेद मिटाओ जिवें कि सानू सारयां नू पता है कि एक कविता वा, ठीक है, जिहदे विच की दस्सिया गया है कि सानू ऊंच नीच का भेद मिटा के, मतलब कि सानू किसी दे नाल भी हीन भावना का जिहड़ा भेद नहीं रखना चाहिए, सानू सारयां नू की आ मिलके प्यार दे नाल रहना चाहिए. सो विद्यार्थी, असीं इस कविता दे विच भी यही पढ़ांगे कि सानू किवें एक दूसरे दे नाल मिलके रहना चाहिए वा, किसी दे नाल भी सानू भेदभाव नहीं करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. ऊंच नीच का भेद मिटा के सभना ताई प्यारांगे, महक वतन की हर थां ते हुण जाके असी खिलारांगे. किंदे ने कि इहदे विच कवि की कहिंदा है कि असी हुण सारे की करांगे, सारे मतलब कि असी पंजाब दे वासी जां पूरे भारत दे वासी की करांगे, सारे एक दूसरे दे नाल भेदभाव मिटा के सारे एक दूसरे नाल प्यार दे नाल रहांगे. महक वतन की हर थां ते हुण जाके असी खिलारांगे, असी अपने महक, अपने वतन की महक, मतलब अपने इंडिया की जिहड़ी मिट्टी की महक आ, उह असी सिर्फ अपने देश तक ही सीमित नहीं रखांगे, बल्कि विदेशों में जाके भी असी सारयां दे नाल जिहड़ा वा प्यार प्यार भरिया व्यवहार जिहड़ा वा करांगे. हिंदू सिख ईसाई भावें होइए मुसलमान, असी रल के वतन प्यारे दी हुण होर वधाईए शान. असी कहिंदे ने कि भावें किसी भी असी धर्म दे नाल संबंधित हाँ, भावें सिख आ, हिंदू आ, मुसलमान आ, जां ईसाई आ, कि असी किसी भी धर्म दे नाल संबंधित क्यों ना होइए, पर असी की करांगे, असी हुण सारे जाने मिलके रहांगे ते रल के असी अपने प्यारे वतन दी जिहड़ी आ शान वधावांगे, मतलब कि असी प्यार भरिया एक दूसरे नाल व्यवहार करांगे. असी इक हाँ इक रहांगे, इह कदे ना विसारांगे विस्तारांगे, ऊंच नीच दा भेद मिटा के सभना ताईं प्यारांगे. असी एक हाँ ते एक ही रहांगे, मतलब कि साढ़े देश का नाहरा की होएगा कि असी हमेशा एक हाँ, सानू कोई भी अलग नहीं कर सकता. असी यह कदे ना विस्तारांगे, विस्तारांगे मतलब हुंदा वा भुलांगे, ठीक है, असी कदे ना भुलांगे कि असी सारे एक सां ते एक ही रहांगे. सब ऊंच नीच का भेद मिटा के सबना तारी प्यारांगे, ये सबना असी की करांगे, ऊंच नीच का भेद मिटा के सारे असी इको जिहा ही सबनू जिहड़ा बराबर का अधिकार देंगे. अमन, अमन का मतलब हुंदा शांति. पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली जां असामी, मद्रासी ने अमन एकता दे हामी, ये सारे भारतवासी ने. कहिंदे ने कि असी भावें पंजाबी होइए, भावें गुजराती होइए, भावें बंगाली होइए, भावें मद्रासी होइए, असी किसी भी स्टेट तो क्यों ना बिलोंग करते हुए, पर साडे विच जिहड़े आ असी की साडे विच असी किहड़े अपने अंदर भाव पैदा करांगे, असी सारे शांति दे जिहड़े भाव पैदा करके असी सारे ही अपने भारत नूं रिप्रेजेंट करांगे, कि मतलब असी सारे ही भारत दी जिहड़ी एकता ते अखंडता नूं बना के रखांगे. जात पात तो उपर उठ के हर एक नूं सतिकारांगे, ऊंच नीच दा भेद मिटा के सभना ताईं प्यारांगे. असी की करांगे, जात पात ते मतलब कि साढ़े विच किसी भी तरह की कोई जात पात, कोई भी रिलीजन नूं लैके, कोई भी रीजन नूं लैके, जां फिर किसी भी नसल नूं लैके साढ़े विच किसी भी तरह का कोई भी जिहड़ा भेदभाव नहीं रहेगा. असी सारे की आ एक देश नूं रिप्रेजेंट करांगे, असी सारे जाने आ एक भारत दे वासी जिहड़े आ बण के दिखावांगे, सभना ताईं प्यार दा जिहड़ा वा भरिया व्यवहार करांगे. आप जियो ते जीण दिओ, बस एक साडा नारा आए, ताइयों जग विच माण पा रहा साडा भारत नियारा आए. कहिंदे कि साडे भारत दा जिहड़ा एक नारा है, आप जियो ते जीण दिओ, क्योंकि अहीं लोकतंत्री देश दे विच रहिंदे आ ते साडे भारत जिहड़ा लोकतंत्री देश होण दे नाते सानूं सब नूं आजादी है कि असीं किते भी जाके रह सकदे हां, किते भी जाके असीं अपना काम कार कर सकदे हां. इस करके कहिंदे कि साडे नूं सानूं एक मतलब कि आजादी मिली हुई है, इस करके असीं आप जियो ते जीण दिओ दा जिहड़ा वा सिद्धांत है उहनूं जिहड़ा अपने आप ते लागू करांगे. सो इस करके असीं की करांगे, आप भी जीएंगे ते दूसरियां नूं भी जीन देंगे. इस करके असी की यही साडा नारा है, ताइयों जग विच माण पा रहा साडा भारत नियारा है, क्योंकि साडा यही नारा है, इसे करके सारी दुनिया जिहड़ी आ भारत नूं जिहड़ा वा पसंद करती है. इस दी अणख ते आन दी खातर सब कुछ अपना वारांगे, ऊंच नीच दा भेद मिटा के सभना ताई प्यारांगे. आण आण दा अर्थ हुंदा है इज्जत, और वारांगे मतलब अर्थ हुंदा है कुर्बान करांगे. कहिंदे कि
इस दी अणख दे आण दी खातर जे कोई ते भारत दे लई कोई विपता बन जांदी है तां असीं की करांगे अपने भारत देश नूं बचाउण दे लई सारे एकमुट हो के इस दी इज्जत नूं बचाउण खातर असीं अपना आप वार देंगे ते ऊच नीच दा भेद मिटा के सभना ताईं प्यारांगे कि मतलब साडे विच किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। मंदिर मस्जिद गिरजे सांझे सांझे गुरुद्वारे ने नेकी अते सच्चाई वाला राह राह पे दसते सारे ने साडे साडे देश दे विच जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने सभना का एक ही सिद्धांत आ कि हर एक नूं बराबर समझो किसी भी धर्म दे विच जिहड़ा कोई भी भेदभाव ना करो। ठीक है, कहिंदे कि साडे सारे दे सारे जिहड़े गुरुद्वारे ने साडे मंदिर साडे मस्जिद साडे चर्च सारे की ने सांझे ने सभ दे सांझे ने इत्थे कोई भी जा सकदा वा कोई भी जिहड़ा वा मतलब कि किते भी जाके जिहड़ा मत्था टेक सकदा वा। इस करके कहिंदे कि साडे जिहड़े सांझे सारे जिहड़े जिन्ने भी धार्मिक स्थान ने साडे सभ दे साडे सांझे ने ते सानूं किहड़े सिद्धांत चलण दी जिहड़ी आ सिद्धांत साडे नेकी ते सच्चाई दे जिहड़े सिद्धांत ते चलण दे जिहड़े सानूं की आ प्रेरणा दिंदे ने क्योंकि साडे धार्मिक जिन्ने भी ग्रंथ ने सानूं सारे नेकी ते सच्चाई ते चलण दी जिहड़ी आ प्रेरणा दिंदे ने। सो कहिंदे कि साडे वास्ते सारे सांझे ने जो कि सानूं नेकी ते सच्चाई दे सिद्धांत ते चलण दी जिहड़ी आ राह जिहड़ी आ दसदे ने। इस राह ते ही चल के अपनी विगड़ी तकदीर संवारांगे ऊच नीच दा भेद मिटा के सभना सबनों असी प्यारांगे। कहिंदे कि इस सिद्धांत उपर चल के साडी जिहड़ी विगड़ी हुई तकदीर मतलब जिहड़े साडे लोकां दे विच जिहड़ा आपस विच जिहड़ा वितकरे दी जिहड़ी भेद भावना दी जिहड़ी भावना वा उसनों असी की आ खत्म करांगे ते सारे सबनों की आ असी जिहड़ा वा प्यार भरिया जिहड़ा व्यवहार करन लई जिहड़ी आ सबनों जिहड़ी आ ऊच नीच दा भेद मिटावांगे। वधदी होई आबादी इत्थे पया बहुत पुआड़ा है इसलिए असां गरीबां दा हुण हाल हो गया माड़ा है क्योंकि असीं सारे जाणदे हां कि साडा भारत जिहड़ा वा संसार विच दूसरे नंबर ते आबादी जिहड़ी आबादी दे विच जिहड़ा दूसरे नंबर ते आउंदा वा सब तों पहला चाइना वा उस दूसरे नंबर ते जिहड़ी भारत जिहड़ी आ उसदी जिहड़ी गिनती आ सब तों वध आबादी विच। कहिंदे कि साडे देश विच इन्नी आबादी आ कि इहदा ही इक पुआड़ा है कि जिहड़ा गरीब गरीब हुंदा जा रिहा ते अमीर अमीर हुंदा जा रिहा पर कहिंदे हुण असीं की करांगे हुण असीं अपनी गरीबी दा जिहड़ा वा इस जिहड़ी गरीबी दावे नूं खत्म करन वास्ते असीं जिहड़े आ सारे जाणे एकमुट हो के मेहनत करांगे ते जिहड़ी इस गरीबी तों जिहड़ा वा दुख दा जिहड़ा निवारण आपां मतलब करांगे कि भाव कि ही गरीबी तों छुटकारा पावांगे पर हुण मेहनत करके अपने सारे दुख निवारांगे। दुख निवारण दा मतलब हुंदा दुखां दा अंत करना जां दुखां दा दूर करना। हुण कहिंदे कि असीं सारे मेहनत करांगे ते इसे करके असीं अपने सारे दुखां तों गरीबी तों जिहड़ा वा मुक्ति पा लवांगे ऊच नीच दा भेद मिटा के सभना ताईं प्यारांगे मतलब असीं ऊच नीच दा भेद मिटा के सारिआं दे नाल जिहड़ा प्यार भरिआ व्यवहार करांगे। अगे फुट चंदरी ने साडी कीती बड़ी तबाही है हुण ना उस तरां दी आपां करनी लापरवाही है जिवें कि असीं सारे जाणदे हां कि 1947 दे विच साडी जिहड़ी सब तों पहलां वंड होई साडे भारत जिहड़ा वा दो मुल्कां दे विच वंडिया गया हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दे विच वंडिया गया। उस तों बाद 1966 ईस्वी दे विच जिहड़ी आ पंजाब दी हरियाणा हिमाचल दी वंड हो गई। कहिंदे कि इह जिहड़ी वंड आ जिहड़ी इन बार बार हुंदी रही आ। ठीक है, इक अदली हुंदी रही है कि हमेशा लोक जिहड़े इक दूसरे दे नाल नस्ली वितकरा करदे सी लोकी धर्म दे नां ते जिहड़ी आ फुट पाउंदे सी। कहिंदे कि इसे करके जिहड़ी आ अग्गे बहुत वारी जिहड़ी आ फुट जिहड़ी आ मीनस कि कह सकदे कि वंड हो चुकी आ पर कहिंदे कि हुण असीं सियाणे हो जावांगे कि हुण असीं इहो जिहा कोई भी लापरवाही नहीं वरतांगे जिहदे नाल की आ साडे देश विच किते वी कोई भी वंड होवे जां साडे देश विच कोई भी फुट पवे इकट्ठे हो के देश दा हर इक वैरी नूं वंगारांगे ऊच नीच दा भेद मिटा के सभना ताईं प्यारांगे। जे देश वैरी दा अर्थ हुंदा हा दुश्मन। सो कहिंदे ने कि ऑलरेडी साडे देश विच बहुत वारी जिहड़ी आ बर्बादी हो चुकी आ तबाही हो चुकी आ हुण असीं किसी भी वैरी नूं जिहड़ा वा अपने देश उत्ते हमला करन दे लई नहीं दे सकदे। जे कोई अजिही कोई घटना वापरदी वी ते असीं सारी की आ उस वैरी दा मूंह तोड़ जवाब देण वास्ते सारे एकमुट हो के असीं वैरी तों जिहड़ा वा की करांगे वैरी नूं वंगारांगे। वंगारन दा अर्थ हुंदा वा कि उहदा मूंह तोड़ जवाब देवांगे। सो असीं इस तरह की करांगे सारे ऊच नीच दा भेद मिटा के सभना ताईं प्यारांगे कि असीं ऊच नीच दा कोई भी भेदभाव नहीं आपस विच रखांगे ते सारे प्यार भरिया व्यवहार करांगे। सो विद्यार्थियो सानूं इस कविता तों इही विशा इही शिक्षा मिलदी है कि सानूं सारिआं नूं इक दूसरे दे नाल प्यार भरिआ ते सहनशीलता वाला व्यवहार जिहड़ा वा करना चाहीदा कदे किसी दे नाल ऊच नीच नहीं करनी चाहीदी। सो थैंक यू।